में रहा हूँ, जिसमें बड़े से बड़े जिलों का एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजी रहे हो, जिनकी बेटियां अमेरिका में हो, जो 3 और 4 महीने अमेरिका में रहते हो, वो सब कुछ छोड़कर इन वंचित लोगों के उन घरों में जाते हैं जहां बैठने की कुर्सी नहीं होती और पीने का पानी नहीं होता। वहां जाते हैं और उनके साथ रम जाते हैं। अभी मेरे को मैडम बोल रही थी कि जो आनंद वहां आता है वो पूरी जिंदगी वर्दी के चकाचौंध में, वर्दी के आकर्षण में, आईपीएस का जो मान प्रतिष्ठा होता है वो सब इसके सामने धूमिल है। लगते नहीं है कहीं जो आनंद यहाँ हमको सेवा करके आता है, ये हृदय परिवर्तन कहूं या मन में दबी चाह कहूं। भाई दबे वो आईपीएस में चले गए, वहां सेवा की, आनंद आया। आने जाने में 7 घंटे लग जाते हैं कार्यक्रम में, 1.5 घंटा, आने जाने में 7 घंटे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज ना आता तो वह अनुभूति जो सेवा भारती करा रही है और कर रही है उससे मैं वंचित रह जाता। मैं सोच नहीं सकता था कि शहर या समाज के वो वंचित लोग, देहात दूर दराज में रहने वाले, तमाम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने इतनी योजनाएं हैं, हजारों हजार करोड़ रुपए उनको ऊपर खर्च किए हैं, इसके बावजूद भी सेवा भारती उनके बच्चों को शिक्षा देने का कार्य, गुणवत्ता की शिक्षा और गुणवत्ता के हॉस्टल में रखकर उन्हें पढ़ने का अवसर देना, इससे अधिक अच्छा काम सामाजिक हो नहीं सकता। यूनिफॉर्म में रहा हूं, जिसने बड़े से बड़े जिलों का एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजी रहे हो, जिनकी बेटियां अमेरिका में हो, जो 3 और 4 महीने अमेरिका में रहते हो, वो सब कुछ छोड़कर इन वंचित लोगों के उन घरों में जाते हैं जहां बैठने की कुर्सी नहीं होती और पीने का पानी नहीं होता। वहां जाते हैं और उनके साथ रम जाते हैं। अभी मेरे को मैडम बोल रही थी कि जो आनंद वहां आता है वो पूरी जिंदगी वर्दी के चकाचौंध में, वर्दी के आकर्षण में, आईपीएस का जो मान प्रतिष्ठा होता है वो सब इसके सामने धूमिल है। लगते नहीं है कहीं जो आनंद यहां हमको सेवा करके आता है, ये हृदय परिवर्तन कहूं या मन में दबी चाह कहूं। भाई दबे वो आईपीएस में चले गए, वहां सेवा की। एक और भाई साहब मैं बताऊं, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महिला बाल विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी देहात गए से ऊपर में, उन्हें एक बच्चे का ये बहुत बीमार, बहुत कुपोषित, इसको ले जाएंगे इलाज कराना, नहीं ले जाने देंगे, देखे कैसे ले जाते हैं। हमसे बात की कि सर हम सामने देख रहे, भेज नहीं रहे, मैं क्या सोचते हो क्या करना चाहिए, सर क्या कर सकते, छोड़ के आएंगे? नहीं, ऐसे कैसे छोड़ के आएंगे, जब सरकार को पता लग गया कुपोषित है छोड़ के कैसे आओगे, वो नहीं समझते तो क्या करें। मैंने फोन करो, महिला पुलिस को बुलाओ, थाने से पुलिस बुलाओ, रख के ले जाओ, इलाज कराओ, जबरदस्ती पुलिस आके उठा के लेके गई। इतनी ना समझी है।